क्योंकि दोस्तों इसरो फायरमैन का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर RMT 315 यानी कि 2021 में जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था फायरमैन के पदों के लिए, तो दोस्तों उसमें प्रीलिमिनरी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर अपलोड करना था। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि कैसे अपलोड करना था, तो आप वहाँ जाकर देख लीजिए। तो अभी अभी अपडेट आई है कि इसकी जो अपलोड करने की तिथि है वो बढ़ चुकी है। तो चलिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो आप ये वीडियो ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। जो लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ इसरो की। तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे न्यूज़ में ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देखिए ये वाला PME डेट वाला। तो लास्ट डेट ऑफ PME सर्टिफिकेट इज़ एक्सटेंडेड टिल 31/3/2023। मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है तो यहाँ पर देखिए आप लोग लास्ट डेट। यहाँ पर मैं PDF डाउनलोड करूँगा। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया PDF और ये PDF डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए ओपन हो गई। तो ये PDF जैसे ही ओपन होती है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिस हैज़ रिफर्स टू कॉरिजेंटन डेट 3/3/2023 अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 315 डेट 20/3/2021। द लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग PME सर्टिफिकेट इज़ नाउ एक्सटेंडेड टिल 31/3/2023। दोज कैंडिडेट हु कुड नॉट अपलोड द PME सर्टिफिकेट मे अपलोड द सेम इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 31/3/2023। ऑल एप्लीकेंट्स मे आल्सो नोट दैट नो फर्दर एक्सटेंडेड इन दिस रिगार्ड विल बी एंटेंड अंडर माई सरकमस्टांसेस। यानी कि दोस्तों अगर आपने दोस्तों 20 मार्च तक अगर आप लोग अपलोड नहीं कर पाए हैं PME सर्टिफिकेट तो आप 31 मार्च तक ये अपलोड कर सकते हैं। यानी कि 10 दिन की यहाँ पर दोस्तों इन्होंने डेट बढ़ा दी है अपलोड करने की। तो जिन्होंने भी अभी तक अपलोड नहीं किया है वो लोग दोस्तों 31 मार्च तक अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड कैसे करना है मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताया भरने का, अपलोड करने का, सब कुछ, ठीक है ना। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए, ठीक है ना। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू।